Namo
इति पूर्व पूरी दक्षिण मंत्र पर विद्या दर्पते स्वशांते सनिधा दिव्य विनाशी शांता त्याग निष्कृष्ट भक्ति मुक्तां यश्चन पठति सदा श्रणोति भायति या विशाल शोभम स ही शांते पदम ये यात्रु सूरी श्रीमान देवश्च उपसर्गां शयं यान्ति चिद्यन्ते वेदवल्लया मना भक्ति भाव से
उतना ही उसका जीवन होता है। मृत्यु के पश्चात व्यक्ति की आत्मा उसके कर्मों के अनुसार अगले भव में प्रवेश करती है। आत्मा का सच्चा स्वरूप समता भाव व शुद्ध विचारों के साथ आगे बढ़ते हुए कार्य करता है। वो अपने कर्मों के बंधी समाज की सुश्राविका श्रीमती निर्मला जैन धार्मिक गुणों से ओतप्रोत महिला थी। उनकी देवगुरु धर्म के प्रति अगाध श्रद्धा रही है। श्रीमती निर्मला जी का जन्म श्री कस्तूरचंद जैन खानगा डोगरा वालों के यहाँ हुआ, जिनका कार्य क्षेत्र लुधियाना जगाधरी है। लाला कस्तूरचंद जी के चार बेटे व दो बेटियां थी। श्रीमती निर्मला जैन जी की शादी एक लड़की जालंधर व एक कालका जी में विवाहित है। श्रीमती निर्मला जी का स्वभाव बड़ा ही मिलनसार था। नित्य मंदिर भी जाना व समाहित में नित्य समाहित करना उनका नियम था। वह हमेशा धर्म के क्षेत्र में अग्रणी रही हैं। वह कई वर्षों तक महिला मंडल की प्रधान भी रही। ऐसे ही उनके पति लाला भूषण लाल जी का भी समाज में अपनी एक अलग रुतबा है। जंजाला गुरु में किसी भी बच्चे से पूछ लो, रोशन की हट्टी नाम से मशहूर है ये परिवार। आज धर्म के क्षेत्र में, समाज के क्षेत्र में ये सदा ही अग्रणी रहने वाला परिवार है। लाला रोशन लाल जी का जीवन भी परिवार के लिए एक प्रेरणादायी उनका जीवन है। वह भी धर्म के क्षेत्र में, समाज के हर कार्य में हमेशा आगे रहते हैं। चाहे कोई भी गुरु महाराज, चाहे वह मंदिर मार्गी समाज से हो, चाहे स्थानवासी समाज से हो, कोई भी गुरु महाराज पधारते हैं, वह उनके हमेशा ही दर्शनों के, प्रवचनों के लाभ लेने के लिए हमेशा आगे रहते हैं। सन 2016 में तेजस्वी वक्ता पूज्य गुरुदेव श्री अचल मुनि जी महाराज के भव्य चातुर्मास में इस परिवार ने संपूर्ण लाभ उठाया है। श्रीमती निर्मला जी, लाला रोशन लाल जी सुबह सबसे पहले प्रवचन में आ जाते थे और प्रवचन के उपरांत ही अपनी दुकान पर जाना और कार्य करना। ऐसा ये धार्मिक प्रवृत्ति वाला परिवार है। ऐसे ही उनके बड़े बेटे श्री सुनील जैन जी, जो कि एस.ए. जैन हाई स्कूल की मैनेजिंग कमेटी में मेंबर हैं, वह भी समाज में अपना तन मन धन से संपूर्ण सहयोग समाज को देते हैं। ऐसे ही निर्मला जी के बड़े पोते श्री शैफी जैन जी, जो हमारे साथ श्री बाबा वैरा जी युवक मंडल में हमारे कर्मठ कार्यकर्ता हैं, और श्री पारस पद्मावती जैन आंगी मंडल के वह प्रधान हैं और बहुत ही सुंदर परमात्मा की आंगी की रचना करते हैं जो देखने योग्य होती है। ऐसा ये पूरा ही परिवार एक धार्मिक प्रवृत्ति वाला परिवार है और उस परिवार से उस धर्ममयी महिला का चले जाना परिवार के लिए एक अपूर्णीय क्षति है। हमने देखा उनके बड़ी बहू श्रीमती रीता जैन जी, जब वह अस्वस्थ थी, उन्हें भयंकर बीमारी कैंसर की बीमारी ने घेरा। वह भी धर्म के क्षेत्र में हमेशा ही आगे रही। उन्होंने अपनी बीमारी में भी अपने स्वास्थ्य की, अपने शरीर की परवाह नहीं की। सबसे पहले उनका धर्म उनके आगे रहता था, उसके उपरांत उनके बाकी कार्य थे। कोई भी चातुर्मास हो, गुरु महाराज पधारे हो,
वह उनका हमेशा ही लाभ लेती थी। ऐसे ही पूरा परिवार धर्ममयी परिवार है। इस परिवार से ऐसे वट वृक्ष रूपी माँ का चले जाना परिवार के लिए पूर्णी क्षति है। तो मैं चरम तीर्थंकर प्रभु महावीर के चरणों में यही प्रार्थना करता हूँ कि उन्हें अपना निज लक्ष्य प्राप्त हो और परिवार को ये असह पीड़ा सहने की शक्ति प्रदान करें। मैं भावयानी समाज, श्री बाबा मेरा जी वेलफेयर सोसाइटी घंटसेल, श्री एस एस जैन सभा जंजारा गुरु, श्री आत्मानंद जैन सभा जंजारा गुरु, श्री महावीर जैन युवक मंडल जंजारा गुरु, श्री बाबा मेरा जी जैन युवक संघ जंजारा गुरु, समस्त जैन संस्थाओं की ओर से इस परिवार के उस महिला के प्रति, उस देवी के प्रति अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। ओम शांति, ओम शांति। श्री शेखर चंद जी जैन, आत्मानंद जैन सभा जंजारा गुरु, श्री शेखर चंद जी जैन। श्रीमती निर्मला रानी, धर्मपत्नी श्री रोशनदास जी जैन, शनिवार शाम 9:30 बजे हृदय गति रुक जाने से निधन हो गया। इलाज के लिए उनके बच्चों ने कोई कसर नहीं छोड़ी, परंतु होता वही है जो मंजूर खुदा होता है। वे अपनी 83 साल की आयु कर्म होकर हम सब से जुदा हो गए। श्रीमती निर्मला रानी श्री आदिनाथ जैन महिला मंडल की प्रधान रही और सारे समाज को एक लड़ी में परोकर रखा। खुद रोशनलाल जी ऐसे जैन सभा के प्रधान रह चुके हैं। सारा परिवार ही श्री बाबा बैरा जी पर अटूट श्रद्धा रखता है और हर चौक और हर फंक्शन में अपनी हाजिरी लगवाते हैं। श्रीमती निर्मला रानी बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति सरल आत्मा, अपने देव गुरुओं के प्रति आस्थावान, प्रतिदिन माला पूजा पाठ मंदिर दर्शन, साधु संतों के पधारने पर उनके प्रवचन श्रवण करना आदि आपका नित्यनेम था। आपने जीवन में बहुत सारी तीर्थाई यात्राएं की, जैसे पालीताना, केसिया जी। सारा परिवार ही समाज सेवा के कार्य में बढ़ चढ़कर भाग लेता है। वे कर्तव्यप्रायण, सूझबूझ की धनी, अनुभवी तथा आदर्श गुरु भक्त थी, किंतु जन्म तथा मृत्यु प्रकृति के अटल नियम है। संयोग और वियोग यही संसार की जीत है। उनके समाज के प्रति सेवाओं की मैं हार्दिक अभी अनुमोदना करता हूँ। मैं श्री बाबा बैरा जी वेलफेयर सोसाइटी कैंसियन की ओर से, श्री आनंदर कमेटी की ओर से दिवंगत आत्मा को श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ तथा शासनों को अपने चरणों में प्रदान देकर सदगति प्रदान करें तथा घर वालों को इस दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करें। ओम शांति। श्री मोमन जैन कहा है, सदा यहाँ नहीं रहना, बड़े बड़े ना रहे यहाँ पर, तेरा क्या है कहना, आखिर एक दिन जी सबने है मर जाना, प्रभु गुण गा लो जी मुक्तपुरी ले जाना, मन समझा लो जी प्रभु दर्शन दे पाना। आज चाहे जी श्रीमती निर्मला जैन, धर्मपत्नी रोशनलाल जैन जी हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन अपनी यादें और अपने साथ एक नया नाम जोड़ गए। स्वर्गीय श्रीमती निर्मला जैन के बारे में क्या कहूँ, देव गुरु धर्म पर अटूट श्रद्धा। जब भी पता लगता कि गुरु महाराज जी जंडियाला पधारे हैं, तो चतुर्मास में था, पिछले साल ही चतुर्मास था, बच्चे पहले पापा जी को छड़ जाते सी, स्टूडेंट ते मुड़ के चाहे जी को छड़ जाते सी, फिर दोनों ही लिफ्ट के विच चढ़ के गुरु महाराज के चरण पहुँच जाते सी। बहुत लाभ लिया इतनी उम्र में होते हुए भी, कोई बहाना नहीं, कोई कुछ नहीं, पूरा लाभ चतुर्मास का लिया। गुरु महाराज कहते हैं मां महात्मा ते परमात्मा,
माँ बच्चों नूं जन्म दे विच जन्म दे साथी बनाते हैं। जो असी जवान हो जाते उस वेले गुरु साडी सहायता करता ते बच जो बुढ़ापा आ जाता उदों तो परमात्मा अपने आप ही उन्हें सामने लैंदा। इस तरह ही जय जी का जीवन देख लो तुसीं, गुरु महाराज जी कहिंदे आ कि जो मौत आती है उदों बड़ा कष्ट हुंदा, बंदा तड़फदा उस वेले, लेकिन जय जी साडे देख लो साढ़े अठ वे रोटी खा के ठीक ठाक लम्बे पे, कोई तकलीफ नहीं, कोई कुछ नहीं। 9 बजे कह लगे कि मैं थोड़ी जी घबराहट होती है, कोई सेवा नहीं कराई, कोई पानी नहीं मंगया, कोई हाय नहीं की, 15 मिनटों के बिच खेल खत्म हो गया। तो इतों ही सीधा सिद्ध होता कि जो बंदा बुजुर्ग हो जाता तो परमात्मा अपने आप ही लै जाता, सारा परिवार हरिया भरिया परिवार छड़ के गए। चाहिए चैची के बच्चे, चैची के पोते पोतियाँ, दोते दोतियाँ, वो भी कहते कि मैं भी चैची को एक दो लाइनों के बिच श्रद्धांजलि भेंट करनी है। मैं बच्चों को कहूँगा कि मेरे नाल मेरे मां नाल मेरे नाल दो लाइन बोलनी है। तू कितनी अच्छी थी, तू कितनी अच्छी थी, तू कितनी भोली थी, तू कितनी भोली थी, तू कितनी प्यारी थी, ओ माँ तू अपने बच्चों की, तू अपने पोते की जिंदगी सवारी थी, ओ माँ मामा ठंडिया छावा बच्चों के सिर से माता का प्यार हमेशा। मैं भगवान महावीर स्वामी के चरणों में ये प्रार्थना करता हूँ कि वे देव आत्मा अपने चरणों में निवासा दे और घर वालों को ये सदमा सह करने की शक्ति प्रदान करें। ओम शांति शांति। गुरु महाराज जी आचार्य भगवत श्री सुभद्र मुनि जी महाराज 9 जीता के चतुर्मास जम्मू में है, शिवरात्रि सुल्तान पर लोधी पर थी, आज उन्होंने बैठक करके हमारे क्षेत्र में आ रहे हैं। शायद वीरवार या शुक्रवार को हमारे क्षेत्र में पहुंच जाएंगे। 2-4 दिन जितने भी दिन हमें समय मिलेगा आप धर्म प्रवचनों का और धर्म का लाभ लेकर अपने जीवन को पावन बनाएं। सूचना हम आपको दे देंगे, जब भी महाराज जाएंगे उनको लेने जाएंगे, उनका स्वागत करेंगे, धर्म ज्ञान करेंगे, यही हमारे साथ कहने वाली चीजें हैं। महिला मंडल गुरुद्वारा गुरु श्रीमती योगी जी को
कि आपकी पूजनीय धर्मपत्नी श्रीमती निर्मला देवी का अचानक देखो गमन हो गया। सुनकर गुरुदेव जी महाराज को बड़ा ख्याल हुआ। समाज एवं घर की एक भव्य विभूति विदा हो गई। अपना समग्र जीवन धर्म ज्ञान गुरु भक्ति एवं परोपकार के लगाने वाली उस देवी ने आदर्श स्थापित किए थे। वो देवी बिना किसी भेदभाव के सब संतों का पूर्ण आदर सत्कार एवं विनय भक्ति में तल्लीन रहती थी तथा काफ़ी वर्षों तक महिला मंडल के प्रधान पद को सुशोभित करते हुए एक नई मिसाल कायम की थी। पूज्य गुरुदेव श्री अचल मुनि जी महाराज के चतुर्मास में गुरुदेव ने इनकी भावना को बड़ी करीब से देखा है। उस उत्तम महिला के चले जाने से समाज में एक रिक्तता सी आ गई है, चारों तरफ सुना सुना सा हो गया है। अपनी शुभकामनाओं के परिणाम स्वरूप उन्होंने सदगति का अर्जन किया है। दिवंगत आत्मा के लिए शुभ भाव आते हुए गुरुदेवों ने सकल परिवार से हार्दिक संवेदना व्यक्त की है। आप सब आत्म ध्यान से बचकर धर्म ध्यान का आवलम ले, यही दुखों को हल्का करेगा। मंत्री SS जैन सभा रायपुर। श्री अशोक जैन जी एवं श्री सुरेश जी मनोहर वाटिका स्कूल की ओर से वैदिक परिवार के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करते हैं। अब रसम पठन की क्रिया होगी तो मैं विनती करूंगा श्री आत्मानंद जैन सभा के पूर्व प्रधान लाला देवराज जी जैन, श्री आत्मानंद जैन सभा के प्रधान श्री गुलशन जैन जी एवं श्री SS जैन सभा के चेयरमैन श्री राज जी जैन कृपा आगे आएंगे। श्री रोहित जैन जी मैं उनसे भी विनती करूंगा। वाइस प्रधान श्री आत्मानंद जैन सभा जंजारपुर कृपा भी आगे आएंगे। श्री रोहित जैन जी वाइस प्रेसिडेंट श्री आत्मानंद जैन सभा जंजारपुर। नमो हरि हंतानम नमो सीतानम नमो
इस दुखी घड़ी में जो भी रिश्तेदार सभी संबंधी आए हैं, मैं परिवार की ओर से उनका हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। परिवार की ओर से भोजन की व्यवस्था नीचे भोजनशाला में की गई है, कृपा सभी ग्रहण करके जाएंगे। अब शांति पाठ होगा। पंचमोकारो सब पाप नाशनम मंगलानि सर्वे सिद्धं कर्म हवै मंगलम।